धूप तेज जरूर है लेकिन बहुत ही सुहावना है, थोड़ी गर्माहट ली है। इस वक्त मनाली का जो वातावरण है, जो मौसम है, जो माहौल है, वो बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया है, बिल्कुल शांत। आप देख सकते हैं कि कोई पोल्यूशन नहीं है, कोई धूल मिट्टी कुछ भी नहीं है, एकदम बढ़िया। आज अपने दोस्त के यहाँ आया था, फंक्शन भी है, गेट टुगेदर भी है, आओ मैं मिलवाने की कोशिश करता हूँ। अरे बिम्पी जी, हाँ जी सर, कैसे हैं? बढ़िया सर, आप सुनाओ कैसे? बढ़िया हैं। फिर कैसा चल रहा है? बस सब आशीर्वाद सर। आशीर्वाद, रास्ते खुल गए? रास्ते खुल गए हैं, ब्लैक टॉप हो गया है और काम शुरू हो गया, बहुत बढ़िया काम शुरू हो गया अब तो। क्या बात है। और नंदा जी? बहुत बढ़िया सर। फिर आपका? बढ़िया है, लेकिन जिस हिसाब से रास्ते खराब हुए थे, हाँ जी, तो आज की तारीख में क्या सिचुएशन है? सर आज की तारीख में हम 6 घंटे में चंडीगढ़ से मनाली पहुंचे। अच्छा, अभी पहुंच रहे हैं? अभी 6 घंटे में पहुंच रहे हैं और मेरे को लगता है और 3-4 महीने में वहां सुंदरनगर बाईपास और मंडी हो जाएगा। 4.5 घंटे में हम एयरपोर्ट से मनाली पहुंचेंगे। क्या बात है। ये बिम्पी जी हैं, ये इनका रिजॉर्ट है, स्नो वैली, स्नो वैली रिजॉर्ट मनाली। ये हमारे हिमांशु जी हैं, बढ़िया कॉफी। मैं जब इनसे मिला करता था, ये राफ्टिंग कराया करते थे, मेरे ख्याल से मनाली के शुरुआती दिन थे वो। क्यों हिमांशु जी? माय फादर इज बीन अ पायनियर, बट जो आप बात कर रहे हैं कि अभी ये जो 2023 में आफ्टर मानसून हमारे रोड्स काफ़ी इम्प्रूव हो चुके हैं। मैं पिछले 15 दिनों में 2-3 बार चंडीगढ़ जाके आया हूँ, हर बार यही 6 घंटे के करीब टाइम लग रहा है। रोड पे टारमैक हो चुका है, हार्डली कोई एक आधा 200-300 मीटर का पैच होगा जो छूटा है। नहीं, हिमांशु जी वो बोल रहे थे कि मनाली बह गया है, क्या मनाली सिटी बह गया था? जी ये बिल्कुल मिस इन्फॉर्मेशन है जो कह रहे हैं कि मनाली बह गया था। कुछ एक ऐसे एरियाज थे जो नदी के नजदीक थे और जब इस टाइप का फ्लड आया है, ये जो भी अलाइव है, पिछले 100 सालों में लोगों ने ऐसा कोई फ्लड यहाँ देखा नहीं था। तो उस स्केल का फ्लड आने के बावजूद हमारे जो रोड कनेक्टिविटी है वो काफी जल्दी उन्होंने रिस्टोर हो गई थी, लेकिन उसमें कुछ एक सोर पैचेस जिसको हम कह सकते हैं कि वो पैचेस अच्छे नहीं थे। बताना चाहूंगा कि हिमांशु जी टिपिकल मनाली के हैं। यस, टिपिकल मनाली से हैं। ये ज्यादा बता सकते हैं यहाँ के बारे। एंड आई डोंट थिंक देयर इज एनी इम्पेडिमेंट फॉर पीपल टू विजिट मनाली कुल्लू। सब कुछ खुला है, अटल टनल खुली है, रोहतांग पास खुला है, मनाली के रोड। सुना है कि बर्फ भी पड़ी काफी जी रोहतांग में, कुछ फ्रेश स्नो है और लाहौल में भी। अभी रोहतांग दिख नहीं रहा है यहाँ से, लेकिन माहौल है कि थिंग्स आर बैक टू नॉर्मल। लोग मनाली न्यू ईयर मनाने और उससे पहले भी जब दिल करे, लुक एट दिस, वी आर फाइन ऑटम आफ्टरनून चल रहा है आज। वन ऑफ द फूड, दिस इज रिगार्डिंग द फूड इंडस्ट्री, हम लोग उस पे मंथन कर रहे हैं। फिर मिलेंगे। सर आपका शुभ नाम? माय नेम इज आदेश। आदेश, ओके, आई थिंक यू आर फ्रॉम कुल्लू, हैं? आई एम फ्रॉम कुल्लू। वाकई है हिमांशु स्मार्ट है जैसा आपने बोला था। ही इज द मोस्ट हैंडसम गाय इन द वैली, यू नो, इन दिस, किसी को कोई शक नहीं। पर यार हिमांशु भाई अभी तक आप थे कहां? आपको ये लगा नहीं कि मनाली में तो सब कुछ डिस्टर्ब्ड है, तकलीफ है यहाँ जाना आना जाना, कोई तकलीफ तो नहीं हुआ आपको? नहीं नहीं, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। मनाली इज अलाइव एंड किकिंग बैक टू इट्स फीट। I think so. There's a tremendous potential for growth now, okay, in the near future, as all the roads and your amenities, communication and your amenities, everything is there to experience. चलो बड़े बड़े सर, आपसे मिलकर खुशी हुई। Same here, sir. और ऐसे चमकते रहे आप। Thanks, thanks. ठीक है हिमांशु। Cheers. खाना है? Very good.